पाकिस्तान का एक ऐसा पुरिसरार और कदीमी शहर जो कभी आबाद हुआ करता था, पर अब यहाँ कोई नहीं बसता, जिसका नाम है कूपर। कूपर ये देखो टूवर्ड चकवा रोड लिखा हुआ है, अजीब ड्रामा लगाया हुआ इसने। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर है, इंस्टाग्रामर है, यूट्यूबर है, व्लॉगर है, टिकटॉकर है या फिर एडवेंचर लवर है, तो हमारी बताई हुई जगह को एक्सप्लोर करें, उसके ऊपर व्लॉग बनाएं, ठीक है। हमें भी पता लगे कि आप कितने एक बड़े एडवेंचरर हैं, कितने एक बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। यही बात है, ऐसी जगह जहाँ पे हमने व्लॉग बना दिया, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई बंदा व्लॉग बना सकता है। क्या क्या लगता है? ऐसी है क्योंकि वहाँ पर अभी तक सिर्फ एक बंदे ने व्लॉग बनाया और दूसरे बंदे सिर्फ हम हैं। और हमने ऐसा व्लॉग बनाया जैसा पहले वाले ने भी नहीं बनाया होगा, वो भी शायद ऐसे रास्तों से नहीं गुजरे होंगे जिन रास्तों से हम गुजरे हैं। बिल्कुल, जब आपने ड्रोन शॉट स्टार्ट में देखा ही होगा कि वो कैसा रास्ता था। बिल्कुल। और इस जगह का क्या नाम है जी स्मार्ट साहब? इस जगह का नाम है कूपर, सबसे ऊपर। एक ये पाकिस्तान का कदीम तरीन एक शहर था जहाँ पे आप कोई भी नहीं रहता, शहर मुकम्मल तौर पे खामोश हो चुका है, अबैंडन्ड हो चुका है। हाँ बिल्कुल, और ऐसा कदीम शहर जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, हमें भी नहीं पता था, रिसेंटली पता चला, हम चले गए भी उधर, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा एडवेंचर होगा वहाँ पे। और मजे की बात ये है कि वो जगह मैप में भी नहीं है, गूगल मैप में वो जगह नहीं है, कूपर आप लिख के सर्च करें आपको नजर आती है, नहीं मिलेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है जी इसरार की चवलों से, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पहले दोस्तों की गैदरिंग होना बहुत जरूरी होता है इस ट्रिप में, ठीक है, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं आ गई हूँ अड्डे पे, जहाँ से मैं बैठ के जाऊँगा जिशान भाई के लिए, जिशान भाई को के साथ गैदरिंग करूँगा, उसके बाद हमने बाइक के थ्रू जाना है चकवाल शहर, जहाँ पे कूपर हिस्टोरिकल प्लेस है, वो उसको एक्सप्लोर करना है। वो एक सीक्रेट शहर है जिसको कहते हैं सोया हुआ शहर, ठीक है, बहुत एक इंटरेस्टिंग जगह है, ठीक है। आप जब इस शहर को देखेंगे ना, दीवाने, मैं क्या कह सकता हूँ, बाग बाग हो जाएंगे, ठीक है, बाग बाग हो जाएंगे। मिलते हैं आपको अपनी जर्नी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। इसने घर से स्टार्ट किया व्लॉग बनाना और मैंने इसको पिक करना था दीने बाईपास से, यही बात है, क्योंकि मैं मीरपुर आजाद कश्मीर में रहता हूँ, मैंने मीरपुर से आता, ये जेलम में रहता है, इसने जेलम से आता, ये आया दीने, मैं आया मीरपुर से, और हमने जाना था चकवाल, क्योंकि एक ऊपर जो है वो चकवाल वाली साइड पे। गाइस अभी अभी मुझे जिशान भाई की कॉल आई है कि वो आ गए हैं, सही है, अब मुझे नजर नहीं आ रहे किधर है, वो मेरे ख्याल में आ गए और देखता हूँ मैं किधर है खड़े हुए, मेरे ख्याल में वो खड़े हुए हैं, वो नजर आ रहे हैं, ये वो खड़े हुए हैं, इधर आएंगे और इसके बाद हम अपना अगला सफर स्टार्ट करेंगे। इस लेबोरेटरी ने बहुत वेट करवाया, कसम खुदा, ये आ गए जी आपके सर सेलिब्रिटी, ठीक है, शुक्र है जी सर, ये नाजिल हो गए हैं, बहुत मुश्किल से नाजिल हुए हैं, हमारे हो गए हैं। हमने वीडियो देखी तो हमने कहा निकलते हैं भाई, चलते हैं ऊपर, लेकिन हमें नहीं पता था कि वीडियो में मुकम्मल एड्रेस नहीं है। और जब हम निकल पड़े तो हमने नहीं सोचा था कि यार इतने मजे की जगह होगी, कितना खूबसूरत माहौल होगा, ठीक है, पहाड़ों के अंदर से हम जाएंगे, लेकिन सारे रास्ते हम एक ही चीज सोचते हैं, अभी कूपर आएगा, अभी कूपर आएगा, ठीक है। रब दी कसम, रब दी रात अंधेरी मछनी ओ लबदी, सो रब दी कसम, रब दी रात अंधेरी मछनी ओ लबदी। अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हुए तो जिशान भाई बार बार रुक के वीडियो बना रहे थे, ठीक है, कहते थे यार इसरार ये भी रिकॉर्ड करो, ये भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत और हमवार था कि हम कूपर को भूल कर वो रास्ता एंजॉय करने लगे थे, ठीक है। अच्छा जी, सीन इस तरह का है कि हम जा रहे हैं और सोचा नहीं था कि रास्ता इतना खूबसूरत होगा, पीछे व्यू देख सकते हो, तो सफर को करते हैं कंटिन्यू। वो हमारा बाइक खड़ा हुआ है, इसका नाम है शेर, ये इसमें जो लगा हुआ है एग्जॉस्ट उसकी वजह से इसका नाम शेर डाल दिया, गच्छार। मैंने पाकिस्तान में मैंने और भी काफी जगह विजिट की हुई है, ठीक है, लेकिन यार ये मेरे घर के पास चकवाल इतना दूर नहीं है यहाँ मीरपुर से, ठीक है, घर के पास और इतनी खूबसूरत जगह, मतलब ऐसे लग रहा था गिलगित में या नारायण कगान में आ गए। बिल्कुल, सिर्फ बर्फ की कमी थी, सिर्फ बर्फ की कमी थी, लेवल हो गया कसम खुदा की यार, बहुत बहुत प्यारी जगह। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें
क्या सीन है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा। खामोशी और सुकून और खूबसूरती, आप ये सब ना कैमरे में नहीं फील कर सकते जो हम अभी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये रियलिटी और ये प्रेजेंट जो हम देख रहे हैं ना अभी, इसकी ज्यादा अच्छा सा आ रही है। कैमरे में उतना लेवल नहीं होता जितना इधर रियल लाइफ में है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, हम निकल तो पड़े अपने सफर की तरफ ये सोच के कि आगे आबादी होगी, पूरा पूरा शहर होगा, वहाँ पे एटीएम शेटीएम होंगे, आराम स्कूल से पैसे जैसे पेट्रोल पंप होंगे, आराम से जाके जो है ना वहाँ से पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे, स्कूल से सफर करेंगे। पेट्रोल वैसे था बाइक में लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो जब हम गए तो हमें जाके पता चला जी यहाँ पे तो 6-7 किलोमीटर तक ना कोई बैंक है, बैंक तो छोड़ ही दे रहे, तस्वर ही नहीं है बैंक का। 6-7 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप भी नहीं था। और मेरे ख्याल से वो जो पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं उधर है ऊपर जिधर हमने जाना है, ठीक है। और देखते हैं ना, तो हमारे पास इस टाइम पैसे हैं बिकॉज सारे रास्ते कोई एटीएम नहीं मिला, लेकिन अभी जी इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अच्छा जी, यहाँ से वो गांव की जो है ना फीमेल से आए थे, हालांकि वो बड़ी एजेड सी हैं, तो फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी वीडियो नहीं बनाओ, हमें जाने दो, फिर वीडियो बनाना। उन्होंने हमारे पीछे से गुजरना था। इजी पैसा वाली दुकान भी नहीं है, आ तो हम गए हैं ऊपर, उधर जाना है हमें ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या बनता है। एक जगह ऐसी है जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था, बिल्कुल वहाँ पे हमने कहा कि यार प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है। टाइम ओहो, मेरे ख्याल से इंटरनेट भी हमारा चला गया यहाँ पे। जी जी, क्या करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके एक जगह पे हमें एक बैंक मिला, UBL, ठीक है। तो जब हमने उनसे पूछा कि इसका ATM है, उन्होंने कहा भाई ATM तो नहीं है, बिल्कुल। हमने कहा आगे कोई बैंक है, कहते आगे नहीं है, आगे पता नहीं बिछारा तारा रोड पे जाएंगे, बिछारा तारा बाजार है कोई, उधर जाके ATM आएगा भाई। हमने कहा भाई प्रोग्राम तो बढ़ गया, ATM है इसका नहीं है, पूरे एरिया में नहीं है, तो बढ़ गया। हम बड़े टेंशन में थे उस वक्त, ठीक है, लेकिन जब हम बशारत आरा रोड पहुंचे वहाँ पर हमें एक बैंक मिल ही गया, बड़ी मुश्किल से एक बैंक मिला UBL, एक बैंक मिला जी HBL। लेकिन उधर फिर हम क्या देखते हैं, उधर हम देखते हैं जी लंबी लाइन लगी हुई है, ATM से पैसे निकलवाने की लाइन, बैंक में जाने की नहीं, ATM के बाहर लाइन लगी हुई है यकीन करो। और इधर इंटरनेट भी नहीं चल रहा, मतलब इतना बैकवर्ड एरिया है कि ATM के लिए लाइनें लगती हैं, ये सीन है। तो आप लाइन पे खड़े होने लगो भाई जान, बहुत सलाम वालेकुम हुआ है हमारे साथ शदीद किस्म का। एक तो बहुत बैकवर्ड एरिया है, सही है, बैकवर्ड एरिया के साथ साथ लाइन बहुत लंबी है, और अभी से रोज़ा भी लग गया। उधर निशान भाई खड़े हो गए लाइन में, खुलवा के वापस आए तो मुझे सबसे पहले पता है क्या कहते हैं, कहते हैं इसराज साहब वॉलेट में तो पैसे पड़े थे, पहले से पड़े थे, मुझे याद ही कोई नहीं था। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, ठीक है। इतनी टेंशन ले रहे थे। फिर थोड़ी देर थोड़ा सा आगे गए हमें, फिर पेट्रोल पंप मिल ही गया, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी पेट्रोल की प्राइसेस भी चेंज थी, इसने पूछा आ गया था पेट्रोल की क्या प्राइसेस आते हैं, पूरे पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस है वही होनी थी ना भाई, पेट्रोल की क्या प्राइस है यहाँ। तो लड़का कोई छोटा था, कोई बड़े उम्र का आता ना, उसे एक थप्पड़ लगा देगा ना, तो जरूर पता है पेट्रोल की क्या प्राइस, सामने लिखी हुई थी प्राइस। अच्छा खैर, वहां से हम आके गए और आगे क्या हुआ। और जी आज के इस सफर में मेरा साथ ये बंदा दे रहा है, ये कूपर ने इसके ये हालात कर दिए, इसके बाल आप देख सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है मैंने इसके बाद ऊपर ही जाना चाहिए। ना जी, वैसे इसराड़े बता कैसी जगह है ओवरऑल। बहुत प्यारी है, बहुत लेवल की जगह, लेकिन आप आ गए सारी। हाँ जी, बम्पी रोड के ऊपर ना बस निजाम धर्म भरम हो गया अपना, लेकिन मजा आ रहा है या नहीं। अच्छा जी, इस टाइम हम कूपर से तकरीबन 50 मिनट की दूरी पे हैं, और ये कुछ मंजर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं ऊपर, वो हमने ऊपर जाना है, वैसे वैसे जो है ना नज़ारा बड़ा फिट होता जा रहा है। क्यों भी ऊपर 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 ये देख सकते हैं आप, मैप ये मैप देखें, ये सीन देखें, और ये देखें
जिले असि अगे निकले हाँ ठीक है फिर सानू के मिलता है जी कोयले दियां काना। हाँ जी उधर कोयले की माइंस थी ठीक है। और पहले तो हम जब जा रहे थे मैं कोई ना इस गाड़ी ये क्या ब्लैक ब्लैक हर जगह ब्लैक हुई हुई है ये कौन सी जगह पे हम आ गए हैं भाई। जिशान थोड़े से बर्गर है ना इनको मैंने बताया कि नहीं भाई जान ये कोयले की काने हैं ठीक है यार। तो एक बंदे को रोका हमने पूछा साजी ये क्या चीज है तो उसने बताया कि ये कोयले की काने हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना चल के अंदर वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी वीडियो बनाने तो हम चले गए उधर भी एक ट्विस्ट आ गया ठीक है। उधर ट्विस्ट ये आया कि उधर एक चाचू थे वो कहते हैं जी यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। फिर हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू गोली कराई उनका इंटरव्यू कर दिया बहुत शुक्रिया। इस टाइम हम मौजूद हैं यहाँ पे आरा बिशारत के पास ठीक है जगह का नाम है। और यहाँ पे जो है ना कोयले की काने हैं मतलब माइंस हैं कोयले की। और ये पीछे कोयला पड़ा हुआ है और शदीद सल्फर की स्मेल आ रही है। सल्फर केमिस्ट्री लैब में नहीं जो आती थी जिस तरह की वो उस टाइप की और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तरार साहब अंदर चलते हैं दिखाते हैं इनको कोयले की कान कैसी है। ओके सर अरे बहुत बम्पी रोड है यार ये देख सकते हैं वो लोग ऊपर काम भी कर रहे हैं वो बंदे नहा रहे हैं जी अगले ओए उत्थे बंदे नहा रहे नहीं ओ भाई कहंदा है ओए हमारी वीडियो नहीं पे बनाते मैं नहीं आप ही बना रहे वीडियो। ये मशीनें हैं जी कोयले वाली आई थिंक सो वो काम कर रही है वो माइन कोई चला ही ना दे ये दिखाओ ये यहाँ से प्रोसेस होता है और वहाँ पे आप ये अख्तियार नहीं है वीडियो अच्छा यहाँ पे अख्तियार नहीं है अख्तियार नहीं है भाई इसमें नाराज नहीं होना अच्छा ठीक है। बोला जी बनता है ना ये पत्थर है अच्छा ये कुदरत की तरफ से जो है ना एक पत्थर जो है जिसमें लकड़ी जल जाता है ना इसमें पत्थर ये जल जाता है। तो कितना पुरानी ये काम है कितना अच्छा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए ये तो बहुत अच्छा पुराना हो गया। अच्छा पाकिस्तान में इस तरह की और कितनी काने हैं। एक तो बड़ी जो है इसमें तो जिला चकवाल में तो ये काने काने हैं नमक वाला है खावे हैं हाँ चूड़ा जो सबसे सरकारी मैन चूड़े वाला गढ़ है ये कानों का एक गढ़ है इसका ये कोयला आगे किधर भेजते हैं जलाते हैं पत्थर जलाते हैं ठीक है। अच्छा ऊपर नहीं है उसका नाम क्या नाम उसका नाम ना तो और है। रास्ते में जगह जगह रुक के भाई ऊपर किधर है ऊपर किधर है ऊपर हर बंदे से पूछा ऊपर ऊपर के भाई कूपर कूपर पीकिंग सुपर कूपर कूपर। तो इसरार तो इतना डेस्परेट हो गया था कि ये क्या कह रहा था ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਆਹੇ ਆ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਿਕਲ ਲੈਣਾ ਆਪਨੇ ਅਬ ਇਤਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਉਜੜੇ ਆ ਨਾ ਵਸੇ ਆ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਇਤਨੇ ਬੰਦੋ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕਿਧਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਿਧਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਜੀ ਇਧਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਜੀ ਇਧਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਹਮਨੇ ਲਿਖਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਚੋਹਾ ਸਦਨ ਛਾ ਜਾ ਬੰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਹਮੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਪੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ और हमारा जो है ना गूगल मैप्स ये बता रहा है कि आपने इस तरफ जाना है सीधा तो बता रहे ना डैम वाली साइड पे जाना है भाई ठीक है नया डैम एक्सप्लोर कर दिया आज हमने तो पीछे पहाड़ है इधर भी पहाड़ है पीछे हमारी बड़ी प्यारी लग रही है और सामने हमारे एक मस्जिद है काफी ब्याह मस्जिद तो इस तरफ से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कसर किला जो पीछे हम छोड़ आए और हमें पता ही नहीं चला कि किला किधर है। फिलहाल जो है हमारा मिशन है कूपर तक पहुँचने का आखिर ये कूपर है क्या जो आने का नाम नहीं ले रहा कूपर के चक्कर में ऊपर ना पहुँच जाए हम। हाँ इस रात भाई मेरे की शर्ट का बटन भी टूट गया खुदा का नाम बटन भी टूट गया लेकिन मेरे साथ वाकई कलंदर लाहौर हुआ। अच्छा जी आज के इस सफर में हमारे साथ ना अब्दुल्ला ना असद इसरार क्या कहना चाहेगा अब्दुल्ला असद को जियान है आप जियान आप लोगों ने इतनी हैवी मूवमेंट्स मिस किए सही है ये खूबसूरत एरिया मिस कर दिया ये चक्कर ओ काले दूश तू आया नहीं है ना हमारे साथ ये देख ले तूने मिस कर दिया। चल भाई एक और दुनिया तो चली है डोरा दी एक्सप्लोरर जिशान फरूख जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी बिल्कुल 9 मिनट दूर हमसे है और मैंने एड्रेस पूरा
पे लिखा था, क्योंकि घर से मैंने देख लिया था गूगल में, समझ नहीं आ रहा था। तो अच्छा जी, सैदा के विलेज रिकुल्ला से एक सड़क निकलती है, रिकुल्ला सोवा सैदा का एक गांव है रिकुल्ला, वहाँ से एक सड़क निकलती है, सड़क नल्ली गांव की तरफ जाती है, नल्ली गांव को निकलती है और इसको ही ऊपर कहते हैं नल्ली गांव, वो उधर होगा यकीन सर, दिखाए ना जरा, मेरे ख्याल से ऊपर ही होगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है। लेट्स मूव ब्रदर, टाइम बहुत शॉर्ट है, घर भी जाना है, वापस घर भी जाना है, उठे भी जाना है पैदल। ये देखो यार, ये मैप गूगल मैप हमें पता नहीं किधर ले आया है, ये इधर आ गए हम, सही है, अब समझ नहीं आ रही हमने ऊपर जाना था, हमें ये किधर ले आया है, ठीक है, राइट राइट बोल के पता नहीं कौन सी जगह पे ले आया, वैसे ये जगह जन्नत वाली है, आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है, वो ऊपर ही तो नहीं, लो जी ये देखो, पता नहीं ये कहाँ पे ले आया यार, कसम खुदा की, ये देखो टुवर्ड्स चकवा रोड लिखा हुआ है, अजीब ड्रामा लगाया हुआ इसने, जाते गए सीधा, ठीक है, तो फिर हमें एक लड़का मिला, हमने उससे एड्रेस पूछा, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, उसने हमें एड्रेस बताया, वो कहता जी ये तो मेरे गांव वाली जगह है, ठीक है, ये तो मेरे गांव के पास जगह है, कुपर का, तो उसको नाम भी नहीं पता था कुपर का, कुपर ये भी नहीं पता कुपर है क्या चीज है, क्या बुलाया है, और उसके बाद उसने हमें बताया जी यहाँ से ये 2 किलोमीटर के फासले पर है, आगे जाए सीधा पहाड़ जगह आ जाएगी, उसने नहीं, उसने बोला ना आगे पहाड़ है, पहाड़ों में पहाड़ है और सीधे ही जाना है, हमने वीडियो में भी ऊपर देखा था पहाड़ों में, पहाड़ी एरिया में है, हम भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, हमने कहा ऊपर मिल गया जी, ठीक है, भाई को रोका यार, इनसे रास्ता पूछ रहे हैं, तो वहाँ चटन का भी हम भूल गए, और पता नहीं हम किधर खड़े हैं, ये भी नहीं पता आगे है, सबकी बात है, ये आप पैसे दे गए यहाँ से, ये हमारे ही इलाका है सर, अच्छा ये मिल जाएगा ना, ये जगह ये आगे ये सारा रास्ता है वहाँ पे ही जा रहा है, यहाँ पे सारी आगे पहाड़ी ही पहाड़ी है, ये सीधा रोड छोड़ना नहीं है, यहाँ पे सीधा आगे रोड शुरू है, सारी पहाड़ी है, फिर नीचे नमक की कान शुरू हो जाती है, क्यूड़ा की वो तो क्यूड़ा की नमक कान शुरू हो जाती है, उससे पहले हम गए आगे सीधा खेवड़ा वाली साइड पहुंचने वाले थे, उधर एक बंदे से मैंने कहा इस बार पूछ ही लेते हैं, उससे पूछा, कहता आप तो बहुत आगे आगे, आपको पीछे जाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर, ये तो रोड नहीं बना हुआ है, खैर हम भी पीछे आए, तब भी हम गलत चले गए, हम एक गली गूगल लगाया था, गूगल ने हमें एक गली में डाला, हम वहाँ से गलत चले गए, और वो गली पता कौन सी थी जहाँ पर वो लड़के ने हमें गलत एड्रेस बताया, उसी के घर वाली गली। अच्छा यार, इधर के मुकामी लोगों से भी पूछा है, लेकिन कूपर का नाम लो तो पहले वो 10 मिनट सोचना शुरू हो जाते हैं, नाम क्या ले लिया है, ठीक है, तो कूपर के बारे में वैसे बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता, शायद उस जगह को कोई और नाम है, ठीक है, अभी हम बहुत आगे आ गए थे, केवड़ा वाली साइड हम पहुँच जाए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, 2 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक नाली गाँव है, नाली गाँव से कोई रोड निकलती है, पहुँच जाएगी कूपर को, वहां से हम आगे के आगे चाचे बैठे हुए, चाचे ने कैसे समझाया जी एड्रेस, चाचे ने समझाया कि पुत्र तुसी आ गए हो बहुत अगे तो बहुत गलत, ठीक है, मैंने जी चाचा जी अच्छा पुत्र तुसी कपर जाना है ना, कुपर उन्होंने कुपर नहीं बोला, उन्होंने बोला कपर जाना है ना, तो पुत्र पिछे जेडी रॉक हिल अकेडमी नहीं ओथो वेंदी है एक सड़क को, तो ओदे ते चढ़सो ओदे ते अगे आसी तो कपर कपर, ठीक है, आप ने भी कूपर नहीं कहना, आपने भी कहना कपर, ठीक है, ना कपर कपर, ठीक है, इधर कपर बोल दे रहे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, कूपर जगह कोई पता है, कितने जाइए फिर नाली रोड नहीं जाता रहा, मीरपुर तू आजाद कश्मीर के भाई ऊपर ऐसा एक वीडियो बनानी है, इसे चौक मंडियाला मोड़, अच्छा मंडियाला मोड़, मंडियाला, अच्छा जी इन्होंने बताया कि वो कोई एकेडमी है, सराज तुम देख लिया, हाँ वो सामने है रॉक हिल, वो वाइट वाली, वहाँ से आगे को मोड़ मुड़ना है, चलो चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको, वहाँ से उन्होंने हमें बताया, हम कह रहे वो एकेडमी वाली तरफ गए, तब भी हम रास्ते में जगह रास्ता पूछते क्योंकि काफी मोड़ थे, जाहिर सी बात है, लेकिन एक चीज उन्होंने बता दी थी कि नाली गांव वाली रोड पे आपने जाना है, ठीक है, हमें ये पता चल गया था हमने अब नाली गांव जाना, मैंने भी रजिस्टर पे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने नली गांव लिखा हुआ था, पूरा स्केच बनाया सी मैं अपने रजिस्टर पर, सर मैंने कर दिया आप गूगल बंद, इसकी वजह से ना, बंद कर इसको, बंद कर इसको, चुप, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है, अब हम पूछ के लोगों से जाएंगे, ठीक है, कुपर, सही, हम कुपर कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कुपर, कुपर, तो तूने बोलना उनसे, जब पूछना चलेगा कुपर का रास्ता कितने कुपर का।
जलील हो गया। और अगर आप तुम्हारे चेहरे पे धूल मिट्टी नजर आ रही है ना, तो माशाल्लाह ये माशाल्लाह इस रोड का कमाल है। ठीक है, गूगल का कमाल है, एक लड़के ने गलत रास्ता बताया उसका कमाल है। ठीक है, फिर वहाँ पे कुछ यंग लड़के थे उनसे पूछा, उनसे पूछा, आगे काफी लड़के आए उनसे पूछा, फिर उसके बाद एक चाचा आए। असल कहानी है जी, चाचा वाली से स्टार्ट होती है। चाचा ने बताया जी दो रास्ते जाते हैं कपर को। ठीक है, मैंने कहा जी कौन कौन से? कहते हैं जी एक जाता है ये कच्चे वाला रास्ता, ठीक है, एक जाता है जी ये थोड़ी सी पक्की सड़क है। कच्चे वाला रास्ता जो है ना वो यहाँ से 15-20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर है और जिसमें हजारों मोड़ है। ठीक है, हजारों नहीं सैकड़ों मोड़। उन्होंने बोला कि उधर दो किस्म के मोड़ है, आपने फिर कहीं इतनी दूर जाके गलत मोड़ मुड़ लिया तो फिर आप पता नहीं किधर पहुंचोगे। हम भी डर गए, हमने कहा यार ये ना टाइम वेस्ट हो, पेट्रोल जाए और पेट्रोल पंप भी नहीं है पास। ठीक है, हमने भी, उसने कहा बेहतर यह कि आप पैदल जाएं। मैंने उनसे पूछा पैदल कितनी देर लगती है ऊपर जाने में? 15-20 मिनट। उसने कहा नहीं ज्यादा लगता है, मेरे दिन में था आधा घंटा, 45 मिनट लगेंगे। खैर वहां से हम निकले और उसने हमें मशवरा दे दिया था कि बाइक किसी का घर खड़ा कर दे। लंबा जा आओ ग्राउंड तो पार रोड है, उत्ते तक मतलब मोटरसाइकिल चले जा सी, कोई पैदल अगर जाना दे जी ते जी रोड मोटरसाइकिल लेक जाने दे, ए सड़क जा रही है कच्ची। अच्छा, ओ मोड़ है ना पार जी, ऐ सामने मोड़ है नजर आ रहा है पक्की सड़क, तो उस ते मशीन खली है जी जी जी, ए तले रोड जा रहा हो। ठीक है, जाए तले रोड जा रहा है लेकिन ये बड़ा लंबा रोड है। अच्छा, फिर सड़क जा सी तोड़। ठीक है, पता और तो के छोटी पहाड़ी है ना। अच्छा, वो तो बिल्कुल पीछे है कुकुर ग्राउंड। ठीक है, ये वो ऑफ रोडिंग वाली साइड जगह है, ये वाली सही है जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखते हैं वहाँ पर पहुँच के ऊपर है क्या, जिसको हमने काफी देर से लगाया है ऊपर, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। जब हम नली गांव पहुंचे, नाली गांव पहुंचते आपको पता है जब हाथ में कैमरा हो तो लोग ना बड़े इसका नाम क्या आपके आगे या पीछे आ जाते हैं कि ये कौन आ गया, कौन आ गया। के बाद हम जब गांव के दरमियान में पहुंचे तो हमारे इर्द गिर्द बुजुर्ग इकट्ठे हो गए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, यंग बच्चे बुजुर्ग सारे इकट्ठे हो गए। ऊपर जाना, ऊपर 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 यार आओ यार, ऐसे ऐसे करो सारे, कैसे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो तो सही नहीं चाह रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं चाह रही हो, लेकिन मसला है पैदल तो चले जाके मोटरसाइकिल की तक नहीं, मोटरसाइकिल है जिस पे आ खिला देखो जी। अच्छा ठीक है, फिर आते खिला। हां आज ही बूढ़ा होना है ना, आज ही मुड़ तो रह के की करना है, ये पता होना असि वापस भी जाना है, इफ्तारी करनी है। ठीक है, बात उनसे कंफर्मेशन की कि कपर है किधर, उन्होंने बताया जी वो पीछे जो टावर लगा है, टावर लगा है, ठीक है, टावर कहाँ पे? पहाड़ी के ऊपर है, इसके पीछे है पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ था काफी दूर था, उन्होंने कहा उधर जिधर टावर लगा है ना उस पहाड़ के ऊपर, उसके पीछे एक और पहाड़ है, उसके पीछे है कपूर, उसके पीछे कपूर। जब हम चल के गए ना, मैंने चल के नहीं, उसके बाद क्या हुआ जी, फिर हमने बाइक खड़ा करना था, ऐसी बात है बाइक की सेफ्टी भी बड़ी जरूरी थी, बाइक विल बी सेफ, सो दिस इज द होम वेयर वी आर पार्किंग आवर बाइक एंड दैट इज द प्लेस वेयर वी हैव टू गो। वैसे अखलाक बहुत अच्छा था वहाँ के, ओवरऑल जितने भी लोग थे सबका अखलाक बहुत अच्छा था। उसके बाद हम चले गए जी पैदल निकल पड़े ऊपर की जाने, जब पहाड़ी पे पहुंचे ना थोड़ा सा पहाड़ पे, यार पहाड़ पे बहुत जेन से निकल जाता है, हाँ, पहाड़ पे जब से कपर से आए ना हिला पड़ा। पैदल हाइक करके ऊपर जाना है, क्या ख्याल है? पैदल हाइक करके जाना और ऊपर, ऊपर किधर है ऊपर? ऊपर आपको पता चलेगा ऊपर किधर है, क्योंकि ऊपर सबसे ऊपर पहली पहाड़ी क्रॉस करते हैं तो सामने पहाड़, खुदा का वास्ते यार टांगे दर्द कर रही है इतनी हाइकिंग कर करके, और तू कह रहा पहाड़ी, पहला पहाड़ जब क्रॉस करते हैं ना
तो थोड़ा सा कपर नजर आता, थोड़ा सा नहीं नजर आता भाई, दूसरे पहाड़ के बाद नजर आया। वो इसका नाम क्या ना, ऐसे करके घुट में से ना थोड़ा छवि नजर आई थी, शैडो छवि, हाँ बस यही कर ले। वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया हमारे साथ ये हुआ कि मैं वहाँ पे जब ड्रोन शॉट ले रहा था ना, ड्रोन काफी हाइट पे गया था, हालांकि हम जिस रास्ते से पहाड़ों के अंदर से गए जंगल में से, ठीक है, ऐसे ऐसे थी और फिर ऐसे था, ठीक है, और झाड़ियां थी, कांटे थे, ठीक है, और कांटों में से होते हुए गिरते संभलते कांटोदार रास्ते से गुजरते हुए कब्बर जाने के जोश में, तजस्सुस में तो खैर उस रास्ता ऐसा था ना, वहाँ पे कोई इंसान था ना कोई जानवर था, ठीक है, ना ही कोई चरिंद थे ना ही कोई परिंद। एक और उधर मजे की बात था, तो उधर उड़ रही थी एक हिल, उसकी आवाज बदली बदली सी लग रही थी। निशान भाई कहते हैं इन्हू लगता है मैं बहुत ऊंचाई से उड़ रही है। ऊपर से जो है ना ये इसने क्या बोल दिया, ये साला कहता है कि निशान भाई अभी इधर कोई शेर भी आएगा। मेरे तो बस उधर ही मैंने कहा क्या क्या बात कर रहा है भाई, शेर आएगा मतलब। खैर इंटरेस्टिंग, क्योंकि यार पूरा अमेज़न का जंगल था, पूरा अमेज़न का जंगल था भाई, आप लोग लाजमी एक दफा एडवेंचर करना। अच्छा तो इंटरेस्टिंग वाकया, एडवेंचर ना करना, बल्कि मशवरा ना करना। अच्छा जी, बाद में आपके घर वाले हमें गालियां देंगे हमारे बच्चों को किधर भेज दिया। अच्छा तो हुआ ये कि वहां पे जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था ना बड़ी हाइट पे गया था, ऊपर में एक बंदा नजर आया, इतना था मुझे, ड्रोन काफी हाइट में था, मैं हैरान, मेरे रंग उड़ गए। मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार इधर तो हम इतनी मुश्किल से पहुंचे हैं, ये बंदा है भी बूढ़ा है, ये किस तरह पहुंच सकता है, ये बंदा ही है ना कौन है। इसने देखा उस टाइम, लकीली ये भी रिकॉर्ड कर रहा था फोन में, उसमें भी वो रिकॉर्ड हुआ थोड़ा सा, ठीक है, क्लिप देखा। और फिर मैंने ये बोला इसराड़े को, मैंने उधर बोला, मैंने कहा इसराड़े हो सकता है जब हम ऊपर में जाए ना अंदर शहर के अंदर, ये बंदा शायद गायब हो गया शायद, तो जब हम उधर गए तो लिटरली ऐसा ही हुआ, वो बंदा नहीं मिला था, ढूंढा भी था इसने, वादे भी थी, चाचू किथे हो किथे हो, बंदा नहीं मिला। क्योंकि यार उधर जब पहुंचे तो मैं कहा शायद चाचू से मुलाकात करके वापसी का रास्ता ही पूछ लेंगे, शॉर्टकट जितना हम पहाड़ियां चढ़ के आए हैं, तीन पहाड़ियां चढ़ के आए हैं, इतने इतने बड़े पहाड़ थे, तीन पहाड़ चढ़ के आए हैं, ठीक है, पहले चढ़े हैं उतरे हैं फिर आए हैं, ठीक है, तो मैं कहा पूछ लेंगे आगे चाची गायब हो गया सी, हो गया सलाम वालेकुम। अब ये है कि वो चाचा देखने के लिए, ओवरऑल कूपर शहर देखने के लिए, विलेज देखने के लिए, ऐसी खामोश जगह देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे चैनल का, हमारी इस वीडियो का पार्ट टू, ठीक है। तो फिलहाल मुझे पता है आप लोग तजस्सुस में है, रहना भी चाहिए, हमने जानबूझ के तजस्सुस में रखा, जितना तजस्सुस हमें था ऊपर देखने का उतना आपको भी तो होना चाहिए ना, आप तो घर में बैठे हुए आराम से वीडियो देख लो, ठीक है। और हमें दें इजाजत और चैनल को कर लें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और सब्सक्राइब करोगे तो आपको अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आएगा ना यार, ये कैसे हो सकता है, तो बस ठीक है फिर। और हाँ बस यही है, ऊपर इसके बाद हमें इजाजत दें, ठीक है, क्योंकि सुपर हो गया काम हमारे साथ और बड़ा सुपर हो गया, सुपर हो गया। अब अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। रब दी कसम, रब दी रात अंधेरी मछली ओ लबदी सा।